एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो ECS T10 करफील्ड का आज के दिन का यहाँ पर मैच नंबर दूसरा होगा, जो खेला जाएगा जर्मनी और नीदरलैंड 11 के बीच में। तो इस मैच की पूरी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा, बस आपको करना क्या है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। और उससे भी ज़रूरी काम, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको फाइनल टीम तो मिलती है, उसके अलावा न्यू प्लेस के स्टैट्स और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर भी आपको वहीं पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मुकाबला जो है स्टार्ट होगा 2:45 पर, बैर उरेद्दीन क्रिकेट ग्राउंड करफील्ड में मैच खेला जाएगा। आर्टिफिशियल विकेट है तो पिच के बिहेवियर में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। जर्मनी की जो टीम है ना, इनका पहला मुकाबला अभी 12:45 पर स्टार्ट होगा, और उस मुकाबले में जो इनका बैटिंग ऑर्डर अभी आया है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्यों लग रहा है डाउटफुल वो भी बता दूँ कि पहली बात तो अभी जो बैटिंग ऑर्डर आया है उसके हिसाब से हमीद वर्धक ओपन कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो जनप्रीत सिंह, जिसको इन्होंने मेंशन किया है 7 पर, ये इनका मेन ओपनर है। तो देखते हैं पहले मैच में कौन कहाँ पर खेलता है, पहले मैच से अपन को कंफर्म हो जाएगा। हमीद वर्धक हैं, देखो आप इसके नाम रिकॉर्ड, 24 T10 में 305, 4 विकेट, 18 ओवर डाल के। लेकिन जो इससे पहले ECI T10 की एक और सीरीज हुई थी ना, उसमें इसने 6 मैच में मात्र 40 रन किए थे, 20 का सिर्फ एवरेज था, तो उतनी अच्छी इसकी सीरीज गई नहीं थी वो। हरिथरन वसीकरण है, 2023 के अंदर 18 मैच में 486 रन, 32 का एवरेज, 3 विकेट है, 9 ओवर डाल के। बॉलिंग तो उतनी ज़्यादा हाल फिलहाल में नहीं करवा रहा, लेकिन एज अ बैटर आप इसको टीम में रख सकते हो। रोहित सिंह भी एक अच्छा बैट्समैन है, इसके नाम आप देखो 2023 में 19 मैच में 479 रन, 2 विकेट है, 5 ओवर डाल के। शाहिद अफरीदी हैं, ये भी या तो ओपन करता है लेकिन अभी 4 पर मेंशन है, 34 T10 में 576 रन, 23 विकेट है, 59 ओवर डाल के। 2023 में 6 मैच में 71 रन, 4 विकेट है, 7 ओवर डाल के। तो काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है इसका, और देखते हैं बैटिंग कहाँ पे करता है, कहीं पर भी बैटिंग करें लेकिन टीम में इंपॉर्टेंट ज़रूर रहेगा ये। शान आगा है, 15 T10 में 155 रन है, 2023 में 6 मैच में 47 है। फयाज नसेरी है, 2 ओवर अपने कन्फर्म डालेगा, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग करवाता है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी करेगा। 24 T10 में 240, 24 विकेट है, 45 ओवर डाल के। 2023 में 6 मैच में 9 रन, 3 विकेट है, 11 ओवर डाल के। जनप्रीत सिंह अगर ओपनिंग करता है तो ट्राई कर सकते हो, बाकी अगर 7 पर ही खेलेगा तो फिर तो क्या ही ट्राई करेंगे। 15 मैच में 323, 10 विकेट है, 16 ओवर डाल के। लेकिन जो इससे पहले ECI T10 की सीरीज हुई ना, वहाँ पर इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी। एस प्रूश है, ये भी खेल रहे हैं, देखते हैं, इनका भी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, 10 मैच में 292, 48 का एवरेज, 8 विकेट है, बॉलिंग देखते हैं कैसी करवाते हैं। मुस्लिम अशरफ है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, T20 का भी एक्सपीरियंस है, 10 T10 में 12 विकेट है, और T20 में 40 मैच में 52 विकेट है। वाल्टर बेहर के नाम, 11 T10 में 10 विकेट है, 20 ओवर डाल के। T20 में 8 मैच में 11 विकेट है। साजिद लियाकत के नाम, 20 मैच में 15 विकेट है, 2021 में 10 मैच में 6 विकेट है। तो अभी के लिए मैं इनके ज़्यादा प्ले नहीं रखूँगा, क्योंकि सामने जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं यहाँ से रखूँगा हरिथरन वसीकरण, रोहित सिंह, शाहिद अफरीदी, अगर यही बैटिंग ऑर्डर आएगा ना तब मेरे प्लेयर रहेंगे, और फयाज नसीरी। बाकी अगर फयाज नसीरी की जगह आप चाहो तो मुस्लिम अशरफ या फिर वाल्टर बेयर में से जा सकते हो, बाकी सेकंड मैच में अगर कोई खेलता है अलग प्लेयर तो उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। नीदरलैंड 11 की टीम का है पहला मुकाबला होगा, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ओपन करने चाहिए मूसा अहमद और असद जुल्फिकार। मूसा अहमद की बात करूँ तो ओवरऑल 60 T10 में 1355 रन, 29 का एवरेज, 8 विकेट है, 15 ओवर डाल के। जबकि 2022 के अंदर 26 T10 में 492 रन, 25 का एवरेज, 1 विकेट है। तो बॉलिंग उतनी ज़्यादा नहीं करवाता लेकिन एज अ बैटर इंपॉर्टेंट है। असद जुल्फिकार है, टीम की तरह से विकेट कीपिंग करता है, ज़्यादातर क्या होता है इसको मिडल ऑर्डर में खिलाते हैं, लेकिन अभी ना इनके मेन प्लेयर जैसे कि क्लाइटन फ्लॉइड वगैरह वो सब है नहीं, तो मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए। 41 T10 में 305 है और 2023 में 5 मिनट में 42 है। बोरिस गोरली ये वन डाउन ही खेलता है और बहुत अच्छी बैटिंग करता है, 43 T10 में 767, 0 विकेट है, और 2023 में 5 मैच में 107, 53 का एवरेज, 0 विकेट है। सिकंदर जुल्फिकार बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी मेरे हिसाब से करवाना चाहिए, 21 T10 में 532, 9 विकेट है, 16 ओवर डाल के, और 2023 में 6 मैच में 112, 1 विकेट है, 5 ओवर डाल के। सबस्तियान ब्रात हैं, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, 45 T10 में 480 रन, 43 विकेट है, 60 ओवर डाल के, और 2023 में 6 मैच में 34, 8 विकेट है, 6 ओवर डाल के।
ओलिवर एलन बेस 36 टी10 में 261 रन 13 विकेट है 24 ओवर डाल के। बॉलिंग इसको मिलती है लेकिन इसके ओवर भी बहुत ज़्यादा कटते हैं। 5 टी10 में 2023 में 23 रन 3 विकेट है। यहाँ पर ट्विन क्लोपंगबर्ग हैं, ये देखो पहली बार टी10 खेलेगा करंट सीजन, मतलब इसने जो यहाँ पर नीदरलैंड में क्लब वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पर करंट सीजन में 52 मैच में 1201 रन किए और 4 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म आप इसका देखो, 9 बैटिंग 34-4-8-1 है। ज़्यादातर मैच में वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था। स्टैन वैन ट्रुस्ट टी10 के 5 मिनट में 17 रन है, करंट सीजन में 31 मैच में 522। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 7-21-25-5-10 है, ठीक ठाक सा फॉर्म है। उदित नशीर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, अच्छा बॉलर है ये भी मेरे हिसाब से। 9 मैच में 6 विकेट है 12 ओवर डाल के। करंट सीजन में 26 मैच में 405 रन 21 विकेट है। यहाँ से हिडे ओवरडिक्च के T20 के 4 मैच में 3 विकेट हैं, करंट सीजन में 27 मैच में 471 रन 40 विकेट है। बॉलिंग करवाएगा मेरे हिसाब से, खेलेगा तो 2 ओवर डालना चाहिए। रिसेंट फॉर्म 4-2 विकेट 11-1 विकेट 15-0 विकेट 26-1 विकेट है, तो फॉर्म भी इसका बढ़िया था। क्लियान क्लेन करंट सीजन में 29 मैच में 426 41 विकेट, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट और 35-1 विकेट है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से किस किस को रखूँगा, मैं रखूँगा मूसा अहमद, असद जुल्फिकार, बोरिस गॉर्ली, सिकंदर जुल्फिकार, सबस्तियान ब्रात, ओलिवर एलन बेस और उदित नशीर को मैं टीम में रखूँगा। बाकी बेंच पर 2 प्लेयर हैं, मिस वैन व्लाइट करंट सीजन में 1 मैच में 2 विकेट है, रिसेंटली T20 के जो 3 मैच इसने खेले हैं वहाँ पर 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। टेवन लेजर हैं, इसके नाम करंट सीजन में 22 मैच में 299 26 विकेट, रिसेंट फॉर्म 2-0 विकेट 2 विकेट 0-0 विकेट 6 रन और 0-0 विकेट है। बॉलिंग इसको मिल रही थी वहाँ पर लेकिन ओवर इसके कट रहे थे। एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम यहाँ पर रखा हुआ है मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से असद जुल्फिकार, बैटिंग सेक्शन से रोहित सिंह, मूसा अहमद, अरिथरन वसीकरण, बोरिस गॉर्ली, ऑलराउंडर सेक्शन से सबस्तियान ब्रास, सिकंदर जुल्फिकार, साहिद अफरीदी जूनियर, बॉलिंग सेक्शन से ओलिवर एलन बेस, उदित नशीर और फयाज नसीरी, कैप्टन सबस्तियान ब्रात, वॉइस कैप्टन सिकंदर जुल्फिकार। लेकिन फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। धन्यवाद।